आइए रेलवे एनटीपीसी में पूछे हुए इन दोनों सवालों को करते हैं, साथ में जानते हैं कि इस प्रकार के बनने वाले सारे टाइप्स के प्रश्न हमने किस वीडियो में कराया है। इसके लिए आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पे मैथ की बेसिक ट्रेनिंग क्लास है, जिसमें आठवें टाइप की सातवीं वीडियो में जितने भी टाइप्स के प्रश्न बनते हैं स्टेटिक से, वो सारे टाइप आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके मैथमेटिक्स ओरिजिनिंग की कंप्लीट स्टडी आप लोग करिए। क्वेश्चन ये है कि 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 का माध्यिका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी माध्यिका पूछा है और इस क्वेश्चन में भी माध्यिका पूछा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी संख्याएं हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, एक है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 6 है, उसके बाद क्या है, 9 है, उसके बाद क्या है, 11 है, उसके बाद क्या है, 19 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यदि संख्याएं विषम बार हैं, 7 बार 9 बार 11 बार, तो बीच वाला ही हमारी संख्या माध्यिका होती है। जैसे इसमें 7 संख्याएं हैं ना, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, आपका जो माध्यिका है ना वो बीच वाली संख्या अर्थात 6 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, 6। यदि 7 बार हो 9 बार हो तो हम लोग बीच वाली संख्या का डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी बीच में आएगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बीच वाली संख्या नहीं बता पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे छोटा 2 है और 2 यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 बार आया है, तो तीनों बार लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। उसके बाद 4 आया है, 4 को लिख दीजिए। उसके बाद 5 आया है, लिख दीजिए। उसके बाद 6 दो बार आया है, तो 6 को 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद हमारा 9 आया है, तो 9 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 3, 3, 6 और 2, 8 है। जब संख्याएं सम बार हों, 10 बार 12 बार, तो बीच में दो संख्याएं आपको मिलेंगी। जैसे 8 संख्याएं हैं ना, तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, जो बीच वाली संख्याएं बचती हैं उनको जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा 9/2, अर्थात 4.5 ही माध्यिका है। इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, 4.5। ठीक है, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट मैथमेटिक्स ओरिजिनिंग पढ़िए। धन्यवाद।